पंजाब का सुल्तान कौन, उस्मान बुजदार या हमजा शहबाज? नून और जुनून आमने सामने। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत असेंबली इजलास, डिवीजन रायशुमारी से नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। मार्का नंबर गेम में तहरीक इंसाफ सबसे आगे। तहरीक इंसाफ और इतिहादियों को 186 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग का स्कोर 162। नून लीग का असेंबली इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। लीगी अरकान की स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी कायदे ऐवान के इंतखाब में भी लात ताल्लुक रहेगी। आज हमने काली पट्टियां जरूर पहनी, हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब की सबसे मकबूल तरीन जमात आज भी है खुदा के फजल करम से। हमने काली पट्टियां बांधी हैं, चूड़ियां नहीं पहनी। धांधली ज़्यादा हुकूमत नहीं चलने देंगे। हमजा शहबाज की गुफ्तगू, कहा बोझल दिल से आए हैं, जमहूरी निजाम का तसलसल चाहते हैं। इलेक्शन में एक कप्तान आजाद फिर रहा था और दूसरा जेल में था। अब फेस कर रहे हैं ना चीजों को, बजाय इसके के शोर शराबे से ये कुछ हासिल नहीं होगा। शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। ऑपोजिशन दलेरी से इलेक्शन लड़े। फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ हैं चौधरी परवेज इलाही। बोले उस्मान बुजदार गैर मुतनाज़े, उन पर कोई केस नहीं, स्क्रूटनी में क्लियर करार दे दिया। इमरान खान के फैसले पर पूरी पार्टी ने आमीन कहा। मेरा हुकूमत में कोई किरदार नहीं, फिर भी इमरान खान के साथ हूं। अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा आज तारीखी दिन है। वजीर आला का ताल्लुक पसमांदा इलाके से है। सादिया सुहेल भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। नए पाकिस्तान में 70% मुशरफ वाली काबीना है। असद उमर और शीरी मजारी के सिवा सब लोटे और लुटेरे हैं। डाकू और कातिलों के हाथों मुल्क को लुटने नहीं देंगे। राणा मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ईद से कबल जमानत मिलने की उम्मीद है। हरे पीले नीले दीदा जेब मलबूसात, खवातीन अरकीन असेंबली की बनाव सिंघार के साथ एंट्री। चेहरे पर चश्मे, कंधों पर बैग लटकाए आमद। पीटीआई की मुसर्रत चीमा ने कहा अब तब्दीली आकर रहेगी। वजीरी आला के इंतखाब से पहले अरकान असेंबली की खूब आओ भगत। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पुर तकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। बोंग पाए, नान चने, हलवा पूरी और मीठी लस्सी से तवाजो। सस्ते तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। इतवार के रोज मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। खरीदार व्यापारियों से भाव ताव में मसरूफ। जानवरों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। भाषा डैम फंड रेजिंग और जश्न आजादी कॉन्सर्ट। नेशनल हॉकी स्टेडियम में रंगारंग म्यूजिकल परफॉर्मेंस। साईं जहूर, हुमैरा अरशद समेत दीगर नामवर गुलकारों ने समा बांध दिया। So, what are you waiting for? और लोड बेडिंग और जवानी फिर नहीं आनी। ईद पर धूम मचाने को तैयार। जवानी फिर नहीं आनी की कास तशहीरी मुहिम के लिए निकल पड़ी। गुलबर्ग रेस्टोरेंट में आमद। फोर्ट्रेस स्टेडियम में लोड बेडिंग का रंगारंग प्रीमियर।